वाकई काफ़ी लोडेड कार है और इसमें इन कार इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी बेहतरीन दिया है। इसके साथ ही इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो ब्लू लिंक कनेक्टिंग फीचर्स के साथ आता है। इसमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन पैनल दिया है और ये काफ़ी बड़ा है और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ तो आता ही है, लेकिन इसका स्पोर्ट वेरिएंट वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ भी आता है। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कंपनी ने 7 स्पीकर्स के साथ बोस का साउंड सिस्टम दिया है जिसका म्यूजिक आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। दूसरी गाड़ी की बात करते हैं तो ये है किया सोनेट। पिछले कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच में कंपनी ने इसे लॉन्च किया था और ये गाड़ी भारतीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। जिस तरह से कंपनी ने इसे स्मार्टली डिज़ाइन किया है उसी तरीके से कंपनी ने इसमें स्मार्टली फीचर्स भी शामिल किए हैं। इसमें भी 10.25 इंच वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल किया गया है। हुंडई के ब्लू लिंक की तरह ही इस गाड़ी में भी किया का UVO कनेक्टिंग फीचर्स मौजूद हैं जो कि इसे पूरी तरह स्मार्ट कार बनाते हैं। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ 7 स्पीकर्स वाला बोस का साउंड सिस्टम मौजूद है। इसमें भी एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा मौजूद है। हाल ही में सोनेट के HTK और HTK प्लस में भी ये फीचर वायरलेसली शामिल कर दिया गया है। तीसरी गाड़ी की बात करें तो ये है निसान मैग्नाइट। हाल ही में सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV स्पेस में इसे लॉन्च किया गया है और ये गाड़ी अपने फीचर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें वायरलेसली एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा दी गई है। 8 इंच का मिलने वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रीमियम JBL स्पीकर्स के साथ आता है। इसके साथ ही इसमें 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। Hyundai i20 और Kia Sonet की तरह वायरलेस चार्जिंग और एयर प्योरिफिकेशन जैसे अतिरिक्त फीचर्स भी इस गाड़ी में शामिल किए गए हैं। चौथी गाड़ी की बात करें तो ये है Renault Kiger। Renault Kiger और Nissan Magnite फीचर्स के मामले में दोनों सेम ही हैं। इसमें भी 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि सेम वैसा ही है जैसा कि आपको Nissan Magnite में मिलता है। इस गाड़ी में भी आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा मिलती है, पर ये फीचर्स आपको RXG वेरिएंट में ही मिलते हैं। कंपनी ने इस गाड़ी में स्मार्ट पैक के तौर पर कई सारे फीचर्स दिए हैं जिसमें बेहतर स्पीकर्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर, एम्बिएंट लाइटिंग, एयर प्योरिफिकेशन और वायरलेस चार्जिंग शामिल है। पांचवी और आखिरी गाड़ी की बात करें तो ये है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन कॉम्पैक्ट SUV है और इसमें मिलने वाला 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। भले ही इसका फॉन्ट आपको ज़्यादा बड़ा देखने को ना मिले, लेकिन इसका टच सेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसके साथ कंपनी ने हार्मन का म्यूजिक सिस्टम दिया है जिसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है। हाल ही में इसमें कंपनी ने एक छोटा अपडेट किया है और वो है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे मिलने वाले बटन अब कंपनी ने हटा दिए हैं। तो दोस्तों, ये तो है 5 वो गाड़ियां जिनमें मिलता है काफी बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम और म्यूजिक सिस्टम और इनकी कीमतें भी 10 लाख रुपए से कम हैं। हालांकि आपको किसी भी गाड़ी के शुरू के 2-3 वेरिएंट्स में ये सुविधा नहीं मिलेगी। उनमें आपको साधारण सा म्यूजिक सिस्टम या फिर 2-DIN ऑडियो सिस्टम ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि इन दिनों एक बजट रेंज में बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम वाली गाड़ी की तलाश कर रहे हैं।